मैं हूँ राबिया रफीक, बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। वजीर आजम इमरान खान आज पाक अफगान सरहद तूर खम 24 घंटे खुली रखने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब के तमाम इंतजाम मुकम्मल, तूर खम सरहद को सजा दिया गया। मंसूबे से पाक अफगान तिजारत को फरोग मिलेगा, वस्ती एशिया तक तिजारती रूट बनेगा। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं आएगी, शेख रशीद का कहना है। दोनों पार्टियां कश्मकश का शिकार हैं, अक्टूबर और नवंबर बहुत अहम हैं। हुकूमत नहीं दे रही, शहबाज शरीफ 30 सितंबर से पहले एक मुलाकात और करेंगे। वफाकी हुकूमत का खसूसी मीडिया अदालतें बनाने का ऐलान, काबीना इजलास के बाद मामले खसूसी वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की ब्रीफिंग। कहा कि अगर कोई कानून से बाहर काम करता है, मीडिया इस पर इल्जाम लगाता है, तो इसका केस ट्रिब्यूनल में जाएगा। मीडिया ट्रिब्यूनल शिकायत पर 90 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। मीडिया का फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट किरदार और एहतसाबी अमल यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने नायब तहसीलदार और महकमा माल अमला के हमरा दवाबा में मौका पर पहुंचकर जामे मस्जिद अनवारे मदीना और मोहल्ला की गली का बंद रास्ता वागजार करा के मामला सुलझा दिया। वादे की तकमील, स्टेट लाइफ का मंशूर, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से तकरीब का इनेकाद। मेहमान खसूसी कोर्ट अदू सदर मोहम्मद यूनस खान ने पॉलिसी होल्डर मरहूम फियाज हुसैन की बेवा को अपने हाथों से 3,97,000 का चेक दिया, जबकि फियाज हुसैन ने 20,000 की सिर्फ एक किस्त जमा करवाई थी। के सिटी पुलिस का मंशियात फिरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मंशियात फिरोश गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। न्यूज रूम से अब तक के लिए इतना ही, मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।